कभी कभी दिल करता है ना कुछ अच्छा खाने का, लेकिन बनाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो आज हम ऐसा ही कुछ बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाएंगे फ्रूट चाट। तो इसके लिए हमें चाहिए ढेर सारे फ्रूट्स जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे हमने देखिए कौन कौन से फ्रूट्स ले लिए हैं, इन्हें आप अपनी चॉइस के हिसाब से ही लीजिएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिए हैं फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो लीजिएगा। फिर यहाँ पे हमने सबको अच्छे से क्लीन करके छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और आपको जितनी ज़रूरत हो ना इसको बस उतना ही बनाइएगा, क्योंकि बाद में अगर ये बच जाता है तो फिर इसका कुछ खास टेस्ट नहीं रह जाता है। लेकिन ये जब फ्रेश होता है तो ये बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये फ्रेश में से जूस इसके सारे जो है निकल आते हैं तो उतना टेस्ट इसका नहीं रह जाता, लेकिन फ्रेश तो बहुत अच्छा आता है। और इसको पूरी कोशिश कीजिएगा बस उतना ही बनाइए जितना कि फ्रेश हो जाए, वैसे भी ये बचता कहाँ है। तो चलिए इसको हम एक बाउल में सबको डाल देते हैं और उसके बाद में हमें ये जो सारी चीज़ें रखी है ना इनको भी इसमें एक एक करके मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप सभी चीज़ें एक ही बाउल में निकाल लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे सारे फ्रूट्स इसमें ऐड हो चुके हैं, कितने यम्मी लग रहे हैं, ये तो लग रहा है ऐसे ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है, देखिए सबसे पहले हमने इसमें मिक्स किया है ब्लैक सॉल्ट। तो अपना टेस्ट आप रखिएगा, यहाँ पे मैंने अपने टेस्ट का हिसाब रखा है। फिर हमने लिया है ब्लैक पेपर, इसको भी आप बराबर अपने ही हिसाब से डालिएगा। फिर ये हमने लिया है फ्रूट चाट मसाला, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये है मिंट लीव ड्राई, बिल्कुल जो होती है ना इसको माइक्रोवेव में डाल दीजिए और उसके बाद में 2 मिनट में ये हो जाता है। फिर यहाँ पे हमने एक लेमन लिया हुआ था तो उसका पूरा जूस हमने इसमें ऐड कर दिया है। फिर ये हमने शुगर पिसी हुई ली है, ये देखिए शुगर पाउडर। फिर क्या है, फिर इसे अच्छे से अपने हाथों का मैजिक दिखाते हुए मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए कितना आसान है इसे बनाना, ये बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसको आप चाहे जब दिल करे तब बनाइए तब खाइए। तो है ना कमाल का, देखिए अच्छा है ना। तो फिर क्या, ट्राई कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई चीज़ के साथ। बाय बाय।